चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हेयर को एडिट कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा बताऊँगा, स्टेप बाय तो स्टेप। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, मैं ये वाला पिंक ले लेता हूँ मेरी। तो इसके हेयर एडिट करने हैं हमने, तो इसके हेयर एडिट कैसे करें इसको शेयर करना है यहाँ से ऑटोडेक्स में। इसको ऑटोडेक्स में शेयर कर लिया है, सॉरी इस पहले पिंक थी तो उनको हटा लेते हैं हम। तो हमने वो पिंक हटा ली, तो आप ब्रश सेलेक्ट कर लेना, जो मैं टूल यूज़ कर रहा हूँ उसको फॉलो करना गाइस आप। तो यहाँ से ऊपर इसमें जाके आप इसमें जाके लाइब्रेरी में जाके फर्स्ट वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना, ये फर्स्ट में दिख रहा है ना ये वाला। तो इसकी सेटिंग बता दूँ मैं आपको, इसकी सेटिंग रखनी है आपने फर्स्ट वाला को, तो रखनी है आपको आपके हिसाब से मतलब 8.8 रखनी है, और इसको दूसरे वाले को 24 और तीसरे वाले को 33। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, अब रेज करते हैं हमने बाल हल्के हल्के हाथों से पहनाते को। गाइस हमारे बाल कैसे एडिट हो रहे हैं, तो मैं भी इस प्रकार हेयर को एडिट करता हूँ। इसे घुमा लेना फोटो में, हल्के हल्के हाथों से चलाना। तो गाइस देखो हमारे हेयर एडिट हो चुके, तो आप इस प्रकार एडिट कर सकते हो आपके हेयर को। इस प्रकार हल्के हल्के हाथों से कर लेना। ऐसे उठा लेना। तो गाइस हमारे हेयर एडिट हो चुके हैं, और हम इसमें मतलब साइड में कट लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप इसमें जाके और इसमें सेलेक्ट कर लेना, और इसको आपके एडजस्ट कर लेना मतलब, तो हमने जहाँ कट लगाना है वहाँ सेट कर लिया। तो हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं, तो गाइस लाइब्रेरी में जाके 1 2 3 4 5 पाँचवा नंबर ब्रश ले लेना आप। तो इसकी सेटिंग भी बता देता हूँ आपको, तो दूसरी वाली को सेटिंग को रखना है आपको 40, और इसको आप 90 रख लेना। तो आप 90 रख लेना है, और इसको 4.5 रख लेना फर्स्ट वाली को। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और फोटो कर लेते हैं हम जूम, और इस प्रकार। तो गैस इस प्रकार आप भी लगा सकते हो आपके बालों के, इस प्रकार जितने चाहे उतने लगा सकते हो। तो गाइस हमने बालों के कट भी लगा दिए, तो आप देख लेना इस प्रकार आप भी कर लेना। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और हम लेकर आएंगे न्यू वीडियो तो उसको जरूर देखना। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।